कोलकाता का आज रात वीकेंड का बार में क्या होगा खास? वेल, झूठी खबर बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि फिलहाल चल रही है बिग बॉस का वीकेंड का वार की शूटिंग। सन वॉज नॉट अवेलेबल इन मुंबई, ही वॉज आउट फॉर हिज दबंग 3 शूटिंग, दैट्स वाई ही डिडंट शूट इट। इन द मॉर्निंग ही लैंडेड इन मुंबई एंड टुडे राइट नाउ ही शूटिंग फॉर बिग बॉस सीजन 13 वीकेंड का वार टू नाइट एपिसोड। बट द क्वेश्चन इज, अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हु विल बी आउट, कौन होगा हफ्ते घर से बेघर। घर के अंदर पॉटी लीना एंट्री कर चुकी है, यानी कि देवोलीना एंट्री कर चुकी है। रश्मि यानी कि बहन जी भी घर के अंदर घुस चुकी है अपनी पूरी पलटन के साथ। वो एकदम मंजी डाल आनियों की तरह चुगली वाली आंटी बन चुकी हैं। अच्छा, उसके अलावा आज जो निकलने वाले हैं, पिंपल शर्मा यानी कि माहिरा शर्मा निकल सकती है। पिंपल शर्मा इसलिए कह रहे हैं, भाई देखिए, किसी के लुक्स पे कमेंट नहीं करते, लेकिन उनके लुक्स पे इसलिए कर रहे हैं, वो साफ साफ सिद्धार्थ को बुजुर्ग बोलती है। तो जब आप किसी के लुक्स पर कमेंट करते हो तो अपने लिए भी कमेंट कर सुनने की हिम्मत रखो। अगर आप किसी के लिए बॉडी शेमिंग कर रहे हो तो आप अपने लिए भी सुनने की हिम्मत रखो। अच्छा, हिजड़ा नॉमिनेटेड है। अब आप सोचेंगे हिजड़ा कौन? वेल, पारस। हिजड़ा भी ज्यादा पावरफुल होता होगा इस पारस से। तो सच में आदमी के भेस में औरत है ये जनानी कहीं का। वो भी नॉमिनेटेड है लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीआरपी दे रहा है सिद्धार्थ, पारस और आसिम। ये तीनों स्ट्रांग है और इनको हम टॉप 5 टॉप 6 में देख सकते हैं। शहनाज नहीं जाएगी अभी भी। शहनाज एंटरटेनर है और बेशक दोगली औरत है शहनाज, पर अभी फिर भी वो टिकी रहेगी क्योंकि बहुत ड्रामा करती है नौटंकी आंटी, टिकी रहेंगी। हिमांशी नहीं जाएगी क्योंकि हिमांशी बहुत सटल खेल रही हैं, सिद्धार्थ की टीम में आ चुकी हैं। हिमांशी नहीं जाने वाली है। शेफाली जरीवाला भी नहीं जाएगी। आरती तो नॉमिनेटेड ही नहीं है क्योंकि वो कैप्टन थी, अदरवाइज आरती और माहिरा का इस हफ्ते निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते। लेकिन द अदर पर्सन हु कैन बी एविक्टेड दिस वीक इज तहसीन पूनावाला। दो लोगों पे हमें डाउट है, एक तहसीन और एक माहिरा। इन दोनों में से कोई एक घर से बेघर हो सकता है। तहसीन इज द कॉस्टलियस्ट कंटेस्टेंट और घर के अंदर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई लड़ा होता है उसमें बीच में अपनी टांग जाकर अड़ा देता है कि किसी तरह से मुझे फुटेज मिल जाए, लेकिन वो फुटेज हासिल नहीं कर पा रहा है। आप डिबेट्स में बेशक बैठकर चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, पॉलिटिकल इश्यूज पर बोल सकते हो, लेकिन घर के अंदर ऐसे माहौल के अंदर जीना शेर की तरह जैसे हमारा सिद्धार्थ जी रहा है, सच में मुश्किल है, है ना। और जो लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि आप तो सिद्धार्थ को लेकर बायस्ड हो, आप तो सिद्धार्थ को, देखिए, आई एम सपोर्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, अच्छा खेल रहा है। बिग बॉस के घर के अंदर आप अपनी इमेज को बदलने के लिए आते हैं, या तो आप अपनी इमेज को अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। और जो लोग सिद्धार्थ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, प्लीज जाकर ट्विटर पर देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखिए, 80% पीपल आर सपोर्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला। पागल तो नहीं है ना वो भी, है ना। और रश्मि देसाई सिद्धार्थ से चेप होती है, तो मेरा मानना है कि अगर एक आदमी को आप मीटू लगा सकते हैं तो एक आदमी को भी हक होना चाहिए कि अगर उसके साथ बदतमीजी हो तो वो भी मीटू लगा दे किसी औरत पे। जिस तरह से रश्मि सिद्धार्थ को टारगेट कर रही है, उसे परेशान कर रही है, उन्होंने स्टार्टिंग में चाहा कि किसी तरह सिद्धार्थ से उसका पैचअप हो जाए, उसको कनेक्शन मिल जाए और वो घर के अंदर टिक जाए। जब सिद्धार्थ ने घास नहीं डाली तो वो सिद्धार्थ के ऊपर बावली औरत की तरह, बागर बिल्ली की तरह चिपक गई, एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। तो सिद्धार्थ जो है सबसे स्ट्रांग है, असिम स्ट्रांग है, हिंदुस्तानी भाऊ अच्छा खेल रहा है, हिमांशी अच्छा खेल रही है, शेफाली अच्छा खेल रही है, खेसारी लाल यादव कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और घर के अंदर होने वाली है इस वीकेंड का वार में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड दैट विल बी विशाल आदित्य सिंह। अब देखना यह होगा कि विशाल की बाहर इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज हैंडसम टू, उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, वो सिद्धार्थ की टीम को ज्वाइन करते हैं या पारस की। और अगर उन्होंने सिद्धार्थ की टीम को ज्वाइन कर लिया तो बॉस छक्के छूट जाएंगे पारस की टीम के, ये दो मिलके उनको पागल कर देंगे। पहले सिद्धार्थ उन 12 पे भारी पड़ रहा है क्योंकि शेर है भाई, शेर मैदान में अकेले आता है, और अगर शेर को मिल जाएंगे दो साथी, एक तरफ आसिम दूसरी तरफ विशाल, उड़ गई पारस की पूरी टीम। What you guys have to say about it? Do write it in our comment section. अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं, और जिस तरह से आप हम पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, keep showering your love on us. And if you support Siddharth, like the video, share it as much as you can. Because yes, we support Siddharth. And guys, अगर अभी तक आपने देसी पटाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना, do not forget. Ta-ta.